होगी लड़ाई, रजत और राजवीर में भिड़ेगी लड़ाई यार, मजा आ जाएगा, कल होगी लड़ाई। यस यस यस। द नेक्स्ट डे। होला इस तभी तो दो बहुत बड़े क्रिएटर, मतलब दो बहुत बड़े बदमाश क्रिएटर हो गए हैं अरेस्ट, एलिश और रजत। एक व्यक्ति विशेष को कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं, एक धमकी की वीडियो भी गई हुई है जो कि मेरी नादानी की वजह से हुई है। रजत तो देखो बाहर आ गया है, अगले दिन ही बाहर आ गया था, लेकिन एलिश भाई अभी भी वहीं पर अपना सिस्टम काट रहे हैं और 14 दिन तक काटने भी वाले हैं। सोचा था लफड़े के अंदर राजवीर आएगा, रजत आएगा, आज ही आएगा, आई तो लड़ाई की जगह पर, लेकिन सिर्फ एक, वो है पुलिस, और रजत को धर के भी ले गई। भाई इस टॉपिक पे मेरी है लास्ट वीडियो होने वाली है, लगता तो यही है अगर इन लोगों ने अगर कोई और लफड़ा नहीं करा तो। भाई देखो इन दोनों की लड़ाई में फायदा सिर्फ इन्हीं दोनों का हुआ है और कटा इनके फॉलोअर्स का है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लास्ट जोन में आकर के दोनों ने टीमिंग कर ली भैया। अगर लड़ाई करे तो दवाई पिला दूंगी। इतना ध्यान मैंने इनकी कंट्रोवर्सी पे दिया है ना, अगर इतना ध्यान मैं पढ़ाई पे दे लेता ना तो मेरे घर वालों से मुझे ताने और गालियां नहीं पड़ रही होती। क्या हुआ भाई, जो 2 बजे आज की केज फाइट होनी थी, एक उड़ता हुआ तीर और एक पड़ी हुई लकड़ी के बीच में। अरे सर जी अब नहीं डलेगी कोई भी वीडियो, क्योंकि आपने जो वीडियो डाल दी। वैसे लड़ाई का इंतजार तो आधा भारत कर रहा था, लेकिन उन्हें मिला क्या? ये देखो अगर तुम्हें लड़ाई नहीं करनी थी तो कम से कम थंब फाइट, पेंसिल फाइट या पंजे ही लड़ा लेते, कम से कम उसमें तसल्ली मिल जाती यार हमें। उससे हमें कम से कम ऐसा दिलासा तो मिल जाता ना कि हमारा कम से कम थोड़ा ही कटा है, ज्यादा नहीं कटा। बात तो सही है। और भैया सुनने में आया कि एलिश भैया का अकाउंट हो चुका है बैन, लगता है सिस्टम हैंग हो गया भाई का। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। एलिश भैया पहुंच गए हैं 14 दिनों के लिए जेल स्नेक वेनम केस के चक्कर में, अब लगता है पुलिस उनके साथ जेल में सिस्टम खेलेगी। भाई जिसने भी कहा है बड़ा सही कहा है कि किस्मत बहुत ही ज्यादा चीज होती है। भाई क्या मैं पर्सनली शाहरुख खान को हेट करता हूँ? नहीं यार भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत। क्या चीज मेरे को नहीं पसंद? मेरे को नहीं पसंद उनके वो अंधे फैंस जो है ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि भाई आई स्टैंड विद आर्यन खान। भाई तुम कितने पागल हो यार, कितने अंधे हो। एक लड़का ड्रग के साथ पकड़ा गया, उस पे चार्जशीट फाइल हुई, वो अरेस्ट हो गया, वो क्रिमिनल ने कर रखा, वो सारी चीज करा होगी। उसके बाद भी भैया इनके फैंस बिल्कुल राजी नहीं है मानने को कि भैया आर्यन खान भैया ने कुछ गलत कर दिया। लोंडे के साथ किस्मत ने यूएनओ रिवर्स कार्ड खेल दिया, आयरनी हो रही जी, आयरनी बहुत ही भयंकर आयरनी है। इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में जाट और गुज्जर की इमेज मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बन गई है। क्या लखा रहा, आजा बिडले, नहीं नहीं बिडला आजा, साढ़े चाम तार दूँगा। नेक्स्ट। भैया ऐसे टाइम पर जो रिकॉर्ड कर दे उसे ही कहते हैं असली विलागर। भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि लफड़ा खत्म होने के बाद वो फिटनेस नहीं ये रास्ता अपनाएंगे। लफड़ा खत्म होने के बाद भाई के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। बहुत छोटा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ मेरे साइड से कि जो भी 11th क्लास की केमिस्ट्री है और 12th क्लास की है वो सारी की सारी मैं यूट्यूब से पढ़ा दूंगा, ए से लेके जेड तक। फिजिक्स वाला रजत दलाल। यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर खत्म, इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तो जाए, उस दिन अपने मेरा नाम बदल देना। बहुत ही ज्यादा मुझे दुख है और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सॉरी है कि ये क्या देख लिया हमने। भैया आपने तो बोला था कि सॉरी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं हो रही लड़ाई भाई? मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गए गलती से, आज बहुत कभी किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन भैया आपने तो बोला था कि सॉरी नहीं बोलोगे, ये क्या देख लिया भैया हमने? एक मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। रजत भैया आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे को बुला देना, मैं भी जाती हूँ। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल दूँ लेकिन बच्चा ही है, अगर कुछ बोल दिया तो विवाद हो जाएगा। बेटा कॉपी वस्ते खोलो पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि हाथ उठाने से अच्छा है तो कॉपी वस्ते ही उठा ले अभी। और फाइनली आरसीबी भी एक ट्रॉफी जीत गई है। या 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 ओके ओके। लेकिन 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 लड़कों की टीम नहीं लड़कियों की टीम जीती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात भी है। भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कुछ नहीं बोला।
लेकिन जो भाई लोग लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं वो भाई भी आज के टाइम पे ये बात बोल रहे हैं। गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी, छोरी छोरों से कम है के। भैया आरसीबी ट्रॉफी जीत गई है लेकिन उनके फैंस को ये नहीं पता कि ट्रॉफी जीतने का करना क्या होता है। हम जीत गए, आरसीबी के नाम एक ट्रॉफी हो गई है, करना क्या होता है ट्रॉफी जीत के हमें नहीं पता। तो लोंडो और लोंडियाओ वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के मारो और कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, अच्छी करो बुरी करो लेकिन कमेंट कर दो। और हाँ, तो लाइक टारगेट दे रहा हूँ फिर से 20 लाइक टारगेट का। पिछली बार तुम्हें कहा था बस एक लाइक टारगेट उससे पीछे दे रहा है, पहली बार तुमने कोई लाइक टारगेट पूरा करा है भाई, पहली बार, चलो इस बार भी करा दो। और कमेंट कर देना, अच्छा करो कमेंट बुरा करो फर्क नहीं पड़ता, कमेंट करो ताकि इस वीडियो की इंगेज्ड हो और तुम्हारा भाई थोड़ा सा और ग्रो कर पाए। कमेंट कर दो, गाली बो कुछ भी को, अच्छा को बुरा को कमेंट कर दो। लेकिन इस चैनल पर अगर तुम नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना यार, तुम लोग कर दो यार। तो चलो मिलते हैं तुमसे किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। क्यों नहीं हो रही लड़ाई?